टीम सोल और टीम गॉडलाइक रुइंस के एरिया पर नजर आने वाले हैं। उतर चुके हैं सारे खिलाड़ी, जिसको पहले वेपन मिला वही यहां पर बात चाहिए तो वो हो गया क्लासिक के अंदर सब बूट कैंप पर उतर जाते हैं, वैसी दिक्कतें होती है। बट ओमेगा ने यहां पर जोनाथन को डाउन किया, सीधा फिनिश करते नजर आएंगे। गॉडलाइक के सीगॉट को भी स्पॉट किया जा चुका है, इनफैक्ट इस समय गॉडलाइक के लिए मुश्किलें बहुत ज्यादा बन चुकी है। शैडो हेक्टर को डाउन करेंगे जरूर, सोल को समझ में आ चुका है कि अपना एक खिलाड़ी वो खो चुके हैं। वन वन का डैमेज उनको चुका, बट ग्रेनेड जो है गॉडलाइक के नियो का सही रहा। उनके पास वेपन की अगर बात करी जाए उससे ज्यादा जरूरी अभी नीड से प्रहार वो कर रहे हैं। अक्षत मिश्र बाहर की तरफ उनका ग्रेनेड खराब हो सकता है, लेकिन उतर करके यहां पर फाइट ले सकते हैं। बट नियो ज्यादा आगे जाएंगे नहीं, एक और झटका गॉडलाइक को लगता हुआ और गॉडलाइक यहां से जाती नजर आ तो नहीं रही है। अरे सब हटा रहे, सब निकल चल 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 चल। ओ मेरी जान, चढ़ ऊपर परेशान, झूठ बोलने का कोई रीजन नहीं, ना हाथ कोई है, बॉल गिराने के बीच में हो गई है, बॉल उसको भी डाउन किया जाएगा। ना ओमेगा का लास्ट मैन स्टैंडिंग इन द सिचुएशन, ओमेगा ही हैज टू सरवाइव। 75 एचपी करने की पूरी चंद हो जाए तो कर भी लेंगे, बट शैडो उन्होंने स्पॉट कर लिया है। शॉट लेने की कोशिश और शैडो भी फाइट से जाते हैं। आखिरी खिलाड़ी रोमियो दे टप च बंदूक हुंदी है, ताई लली छली नहीं ओ मूरे खंग।